नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। विदेश में छिपकर बड़ी बड़ी ढींगे हाकने वाला सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू अब नहीं रहा। जी हां, दावा है कि किल इंडिया का एजेंडा चलाने वाला खालिस्तानी आतंकी पन्नू का खुद ही गेम ओवर हो गया। पहले पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह, यूके में अवतार सिंह खांडा और फिर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, और अब दावा किया जा रहा है कि इन सब का मास्टरमाइंड गुरपतवंत सिंह पन्नू का खेल अमेरिका में खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पन्नू की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हालांकि इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया समेत तमाम न्यूज चैनलों पर पन्नू की मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच अब आपको पन्नू की करतूतों के बारे में भी बता देते हैं। आपको बता दें कि 8 जुलाई को भारत विरोधी रैली और इंडिया किल के पोस्टर के साथ पन्नू बड़ा खेल करने वाला था। हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद पन्नू खुद भी खौफ में था। भारत सरकार की टारगेट लिस्ट में शामिल सभी खालिस्तानी आतंकियों की हत्या की खबर आने लगी तो पन्नू ने भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए खालिस्तानी आतंकियों की हत्या का दोष भारत सरकार पर मढ़ दिया और इसी आड़ में विदेश में भारतीय अधिकारियों की जान लेने तक की धमकी तक दे डाली। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर पन्नू पंजाब में अशांति फैलाने के इरादे में था। खालिस्तानी आतंकियों की मौत भारतीय एजेंसियों पर मढ़कर उन्हें बदनाम कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और पंजाब के कथित गैंगस्टरों और युवाओं को अलग खालिस्तानी देश के लिए लड़ने के लिए उकसा रहा था। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। सिखों को खालिस्तानी मुहिम से जोड़ने के लिए पन्नू सोशल मीडिया का सहारा लेता था, जैसे अमृतपाल सिंह जेल जाने से पहले कर रहा था। पन्नू जगह जगह खालिस्तानी नारे लिखने के लिए फंडिंग भी करता था। जानकारी के मुताबिक पंजाब में ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने पन्नू के कहने पर सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तानी नारे लिखकर माहौल बिगाड़ने का काम किया था। यानी कि साफ तौर पर पन्नू भारत को आंख दिखा रहा था, लेकिन खबर मिली है कि पन्नू की आंख अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।